अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पूरे दो महीने बाद YouTube में मिल रहा हूँ। पूरे दो महीने बाद मैंने कंटिन्यू किया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं व्लॉग अपलोड क्यों नहीं कर रहा, वो एक वजह मैंने आपको बताई थी, और मैंने आपको बोला था चंद वजूहत और भी हैं और वो मैं आपको बताऊँगा अपने नेक्स्ट व्लॉग में या फिर कभी। तो आज वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अभी मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे। आज का जो मौजू ख़ास ये है वो ये है कि मैं जा रहा हूँ लाहौर पाकिस्तान और इंग्लैंड का T20I फाइनल देखने। बाकी बातें हम करेंगे सफ़र में, तो अभी वक्त ज़ाया किए बिना चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। जी तो जनाब आला, इस वक्त हम मौजूद हैं ननकाना मोटरवे के पास, इधर रेस्ट एरिया। इधर पढ़नी थी बाबा ने नमाज़, तो वो पढ़ने गए हैं नमाज़। हम अपना खा पी रहे हैं और इधर से नमाज़ पढ़ के फिर हम वापस जाएंगे अपने जो मंजिल जहां हमने जाना था लाहौर। आज है सैटरडे, मैच होगा कल संडे को। अभी हम घर जाएंगे, घर जाके खाना वगैरह खा के फिर हम सो जाएंगे। कल मैच है, असल वाइब्स कल से स्टार्ट होंगी। फाइनल मैच है, ऊपर से लास्ट T20 है, ठीक है, तो ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी, ज़्यादा मज़ा आएगा। बेटे तो बॉलिंग होती नहीं है, वाइड ही जाती रहती है। पहले उसको भी जी तो बॉयज मिलते हैं फिर कल को स्टेडियम जाने से पहले मैं आपको मिलूँगा। ओके चलो, मेरा बैग भी अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम, अभी सुबह सुबह का वक्त है, फजर की नमाज के बाद हम आए हैं क्रिकेट वगैरह खेलने कजिन्स के साथ। यहाँ पे ये सीन है कुछ, ये मोहल्ला है, इधर हम अभी खेलेंगे क्रिकेट। यार यहाँ पे चोरी हो जाएगी। जी तो बॉय, अभी आए थे हम वलेंशिया पुप्पो की तरफ, इधर से हम तैयार होंगे, फिर हमने जाना है PC होटल, वहाँ से हमने लेनी है टिकट्स लेके फिर हम घर आएंगे। फिर हम तकरीबन असर की नमाज़ के बाद जाएंगे स्टेडियम, फिर वहाँ से आपको वाइफ दिखाऊँगा। अभी नहा धो लूँ, तैयार हो जाऊँ, तैयार होने के बाद आपको मिलता हूँ। आई एम रेडी बॉयज, सो लेट्स गो।
इसी होटल के अंदर। यहाँ से अभी हम टिकट्स लेंगे, हम बाहर जाएंगे उनसे टिकट्स लेके, फिर हम चलेंगे और शाम को स्टेडियम चलेंगे। यार बॉयज़, मेरी फीलिंग्स कसम से मैं अपनी फीलिंग्स बयान नहीं कर सकता, इतना कोई अच्छा फील हो रहा है। एक्चुअली इधर हम आए टिकट्स लेनी थे, लेकिन मैं कहता हूँ कि पैसे पूरे क्या ज़्यादा हो गया है, हाई स्टैंडर्ड। मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये देखें मोइन अली, ये एलेक्स होल्ड, और पीछे डेविड मिलान, एंड दिस इज सैम करन। मेरे से वीडियो नहीं बन रही, मेरा तो कसम से ना कह लो कि हाथ कांप रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था मैं इन लोगों से मिलूंगा। उफ, पूरम भैया आप बताओ यार। जी भाई बिल्कुल ऐसे है, बहुत बहुत मजा आया। Got so much I need to cover। टिकट्स अभी हमने लिए हैं, ये देखें। यस, अब हम स्टेडियम में मिलेंगे। मैं अभी यहाँ से जाऊँगा घर, क्योंकि स्टेडियम तो अभी नहीं जा सकती, अभी तो बहुत टाइम है। टिकट्स ही लेनी थी बस यहाँ से। यहाँ से फिर अब घर जा के रेस्ट वगैरह करके आपको फिर मैं मिलूँगा स्टेडियम में। ओके, अब टाइम हो गया है, अब हम जा रहे हैं स्टेडियम। ठीक हो गया, ये मेरे साथ हैं खिदर भाई, मैं और मेरे कज़न्स वगैरह हैं, बाबा और चाचू वगैरह नहीं जा रहे, वो हम लोग जा रहे हैं। अब स्टेडियम चलते हैं, वहाँ जाके मैं आपको दिखाता हूँ स्टेडियम की वाइब। मिलता हूँ फिर आपको स्टेडियम जाके। गाइज अभी हम पहुंचे हैं लिबर्टी मार्केट के अंदर, तो अब हम जा रहे हैं स्टेडियम की तरफ। आपके इधर मेरे साथ मैं आऊँ, ये मेरे कज़न हैं सुभाष, ये सब एज फेलोज हैं। काफ़ी शुगर लगेगा, काफ़ी इन्जॉयमेंट होगी, तो सारी वाइब्स आपको मैं दिखाऊंगा स्टेडियम के अंदर जाते हैं। मेरे को स्टेडियम के अंदर जाते वक्त अलाउ नहीं होता मोबाइल या यू वीडियो बनाना, तो स्टेडियम के अंदर जाके मैं आपको मिलता हूँ। ओका, तो बॉयज वी आर वेरी क्लोज टू द स्टेडियम, वो सामने स्टेडियम है, अभी एंटर होंगे अभी वहाँ से। यार मैं मसला ये हुआ कि मैं पावर बैंक ही नहीं लेके आया। ये लाहौर के करेंगे, ये टैलेंटेड बच्चे लाहौर के। चलो वाओ क्या बात, हम जाने लगे हैं मेन एंट्रेंस में, गेट नंबर 6 है हमारा, तो काफ़ी वो देख सकते हो। तो गेट नंबर 6 से पास होके मेन एंट्रेंस से अंदर जाके आपको दिखाते हैं। टॉस तो हो गया यार, टॉस कौन जीता किधर भाई, टॉस देख के टॉस कौन जीता है, अंदर जाके लगाते हैं शुगर। तो कोई 10 से 15 मिनट बाद हम लोग क्राफ्ट स्टेडियम के अंदर आ गए हैं मेरे एंट्रेंस से, और अब जो सीन है यार वो बहुत ही खूबसूरत सीन्स हैं, वो मैं अभी इस सेकंड्स में ना आप मेरा ऊपर जाके दिखाता हूँ, यहाँ से ठीक दिखेंगे नहीं, इतने आउट क्लास सीन्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर जा। Team is ready. So boys, thank you.
साहब लोग कलंदर का चीता आ गया। हरीश रो सारे नारे लगाओ। हाँ हरीश 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 हरीश। ओह माय जान। यहाँ पे बिजनेस 40 रुपए की रेगुलर कोल्ड ड्रिंक होती है, ये 30 रुपए का इधर ये गिलास ठीक हो गया। इसे कहते हैं बिजनेस, इन्हें कहते हैं बिजनेस। कोई बात नहीं गाइस, डेविड मिलान ने छक्का मारा है, चलेगा, कोई मसला नहीं। बस ज़्यादा ना मारे, एक आधा मार लिया बहुत हो गया, पर 50 हो ही गई है। सही सुबह 50 करे फिर आउट हो जाए। तो ये भी ऐसे साहब आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा? गुस्सा तो नहीं आ रहा? हो चुका है।
रुपए पाकिस्तान ने 210 करना है जीतने के लिए 120 गेंदों पर। इंग्लैंड की टीम ये अंपायर मैदान में आ चुके हैं और वो इंग्लैंड की टीम पीछे रेडी है। रिफ्रेश करने के लिए हमने मंगवाया खाना, खाना खाते हैं ताकि हमारा ज़रा दिमाग जो है ना वो ठंडा पड़े, फिर मैं आपको बताता हूँ हम कैसे जीतेंगे। आपको मैच में जितवा आगे जाऊँगा मैं बता रहा हूँ, जीतेंगे हम इंशाल्लाह। फ़ायदा कोई नहीं था देखने का, तो वापस फैसलाबाद भी जाना है। अभी हम निकले हैं वापस स्टेडियम से, घर चलते हैं, फिर वापस चलते हैं फैसलाबाद। यहाँ पे मैं करूँगा व्लॉग को एंड, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, ठीक है। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।